नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट टैक और आपके साथ मैं हूं संदीप शर्मा। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गरीबों का घर बसाने में लगे हुए हैं, लेकिन धौलपुर में उनके ही कारण दे गरीबों का घर उजाड़ने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला धौलपुर शहर की ऑफिसर कॉलोनी में आया है, जहाँ गृह स्वामी की बेटी की 10 दिसंबर को शादी है। उससे पहले ही कल सोमवार को सरकारी कार्यालयों ने जेसीबी चलाकर उनके घर को उजाड़ दिया। इस दौरान मां बेटी सहित पूरा परिवार गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अधिकारियों ने एक नहीं सुनी और जेसीबी चला दी। इस प्रकरण को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ना तो इस कार्रवाई से पहले पीड़ित परिवार को प्रशासन की ओर से कोई नोटिस दिया गया, सीधा बुलडोजर चला दिया गया। इस मामले में बड़ा सवाल यह है कि ये परिवार पिछले करीब 60 साल से यहाँ रह रहा था। अगर ये अतिक्रमण था तो अब तक ये अधिकारी कहाँ सोए हुए थे, और ये अतिक्रमण था भी तो ये कार्रवाई जब उसकी बेटी के हाथ पीले हो जाती तो 10 दिन बाद भी हो सकती थी। ना तो 10 दिन में यहाँ सरकार का मेडिकल कॉलेज बनना था और ना ही कोई अन्य विकास कार्य होना था। जब 60 साल से अधिकारी सोए हुए थे तो 10 दिन क्यों नहीं रुक सकते थे। फर्स्ट ट्रैक अतिक्रमण को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट ट्रैक मानवीय आधार की बात कर रहा है, और जिस तरीके से राठौड़ी कार्रवाई हुई है उसका फर्स्ट ट्रैक विरोध करता है और इस पर अपनी आपत्ति जताता है। साथ ही मुख्यमंत्री से पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करता है, क्योंकि इसमें एक बड़े अधिकारी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। यह पूरा मामला क्या है उसको हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री जी, आप उस बेटी की पीड़ा सुनी है जिसके 10 तारीख को हाथ पीले होने हैं, उस मां के आंसू देखिए जिसको अपनी बेटी के 10 दिसंबर को हाथ पीले करने हैं। आइए देखिए हमारी पूरी खबर। अगले महीने इसकी 10 तारीख की शादी है, ना थोड़ा सा भी रेम नहीं आया साहब। भैया कोई भी अधिकारी ने हमारी कोई भी लेख भी सहायता नहीं करी, किसी ने हमसे बात तक नहीं करी। भैया भैया 60 साल दे रहे रहे साहब, बीपीएल परिवार है। मुख्यमंत्री जी, सुनी आपने इस गरीब माँ बेटी की पीड़ा। यह वही बेटी है जिसके आगामी 10 दिसंबर को हाथ पीले होने हैं, जिसे लेकर घर में हंसी खुशी शादी का माहौल था और तैयारियां चल रही थी। लेकिन सोमवार को आपके सरकारी कारिंदों ने इस परिवार की खुशियों को जेसीबी चलाकर उजाड़ दिया। उसके घर को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया और घर का सामान तहस नहस कर दिया, जिससे परिवार अब सड़क पर है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। माना कि ये घर अतिक्रमण का हो सकता है, लेकिन पूरे मामले में आश्चर्य की बात यह है कि यदि ये अतिक्रमण है तो इन्हें पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया? डायरेक्ट इनके आशियाने पर बुलडोजर कैसे चला दिया? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि यदि ये अतिक्रमण है तो ये लोग पिछले 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, प्रशासन के बड़े अधिकारियों की छाती के सामने रह रहे हैं, फिर अब तक इनको ये अतिक्रमण क्यों नहीं दिखा? और अतिक्रमण हटाना ही था तो कल सोमवार को ही क्यों हटाना जरूरी था? 10 दिसंबर को यानी करीब 12 दिन बाद इनकी बेटी के हाथ पीले होने थे तो हो जाने देने चाहिए थे। उसके बाद यह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हो सकती थी, लेकिन
जिस तरह इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से राठौड़ी कार्यवाही की गई है वह कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती है। यह कार्यवाही पूरे धौलपुर शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस कार्यवाही की निंदा कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं, साथ ही इस पूरे मामले में एक बड़े अधिकारी पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। यह आरोप प्रशासनिक अमले की छवि को धूमिल कर रहे हैं। आखिर धौलपुर की जनता उस राज को जानना चाहती है कि एक दिन में ही सक्षम अधिकारी की ओर से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी कैसे हो गए और उसी दिन पीडब्ल्यूडी, पुलिस, नगर परिषद आदि सभी अमले के अधिकारी कर्मचारी पहुंच गए और मकान को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। इस दौरान पीड़ित परिवार हाथ पैर जोड़ता रहा लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। इसके बाद मंगलवार को फिर से कार्यवाही की गई और मकान के मलबे को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जाया गया। इस दौरान भी पीड़ित परिवार अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और कहता रहा कि मलबे को मत ले जाओ, इसे तो हमें दे दो ताकि हम कहीं रहने लायक झोपड़ी तो बना लेंगे, लेकिन किसी को भी इन पर दर्द नहीं आया। नगर परिषद में लगा रखा है पट्टे के लिए आवेदन। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित परिवार ने नगर परिषद कार्यालय धौलपुर में पट्टे के लिए आवेदन कर रखा है लेकिन अभी मामला लंबित है। नगर परिषद अधिकारियों ने ना तो इसे निरस्त किया है और ना ही अभी पट्टा दिया है। इस मामले में कार्यवाही जारी है। उससे पहले ही प्रशासन की ओर से की गई इस कार्यवाही ने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नरेगा योजना में भ्रष्टाचार के मामले तो आपने बहुत सुने होंगे लेकिन धौलपुर जिले में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। मामला ये है कि 10 नवंबर को पुलिस ने एक नरेगा मजदूर को 500 रुपये का इनामी बदमाश होने के चलते गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश किया तो न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आप भ्रष्टाचार की इंतहा देखिए कि सेक्रेटरी और नरेगा मेट ने बाकायदा 11 से लेकर 15 तारीख तक उस मजदूर की नरेगा में हाजिरी लगाई, बाकायदा उसके नाम का कार्य हुआ और पेमेंट भी उठा लिया गया है। क्या है पूरा मामला देखिए हमारी खास खबर। भ्रष्टाचार की हदें पार, जेल में मजदूर और नरेगा में लगा दी हाजिरी और हो गया भुगतान। नरेगा योजना सरकार की ओर से गरीब व मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी लेकिन इस योजना को भी अधिकारी कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार का बड़ा जरिया बना लिया है। ऐसा ही एक मामला धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत फरासपुरा के गांव कमरियन का पुरा में सामने आया है। भ्रष्टाचारियों का दुस्साहस देखिए कि यहां एक नरेगा मजदूर इन दिनों जेल में बंद है लेकिन नरेगा कार्य में मैट और सेक्रेटरी ने मिली भगत से बकायदा उसकी उपस्थिति दर्ज कर रखी है और उसके नाम से पेमेंट भी कर दिया गया। पूरे मामले में बड़ा सवाल यह है कि जब नरेगा मजदूर जेल में बंद है तो वह नरेगा में कार्य करने कहां से आ गया। ऐसे में अब तो दो ही बातें हैं, या तो नरेगा मजदूर सिर्फ कागजों में ही जेल में है और हकीकत में नरेगा कार्य स्थल पर कार्य कर रहा है, अथवा नरेगा मजदूर जेल में है और नरेगा कार्य में फर्जी तरीके से सेक्रेटरी और मैट ने हाजिरी दर्ज की है और पैसे का घपला किया है। मामला यूं है कि धौलपुर जिले की दिहोली थाना पुलिस ने 10 नवंबर 2022 को श्याम सिंह पुत्र चौप सिंह ठाकुर निवासी कमरियन का पुरा ग्राम पंचायत
फरासपुरा राजा खेड़ा को गिरफ्तार किया था, जो कि अवैध चंबल रेता के मामले में फरार चल रहा था, जिस पर धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह की ओर से 500 रुपए का इनाम घोषित था, जिसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया, जो वर्तमान में भी जिला जेल धौलपुर में बंद है। जबकि सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर जो मस्ट्रॉल दर्ज है, उसमें श्याम सिंह को नरेगा कार्य में 11 नवंबर से 15 नवंबर तक बकायदा उपस्थित दिखाया गया, जिसके बदले उसे बकायदा भुगतान भी किया गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्राम पंचायत फरासपुरा में नरेगा योजना के तहत जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अब देखना यह है कि अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं। इस मामले में जब ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी हीरा लाल से बात करने के लिए कॉल किया और उनसे सवाल पूछा कि जब श्याम सिंह जेल में है तो नरेगा कार्य में उसकी उपस्थिति कैसे दर्ज है, तो वे बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद उनसे पूछा गया कि ऐसा ही हुआ है और उसका दस्तावेज हमारे पास है, तो उन्होंने कॉल काट दिया। जब उन्होंने दोबारा कॉल किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं इस मामले में धौलपुर जेल के अधीक्षक राम अवतार शर्मा ने बताया कि श्याम सिंह फिलहाल जिला कारागृह धौलपुर में बंद है। वहीं इस मामले में पंचायत समिति राजाखेड़ा के विकास अधिकारी राकेश सिंगल का कहना है कि ऐसा मामला है तो जांच करवाएंगे, जांच में जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही की जाएगी। सामान्य वर्ग के श्याम सिंह को कागजों में बता दिया एससी का। ग्राम पंचायत फरासपुरा में भ्रष्टाचार और घपलेबाजी की सभी सीमाएं पार होती नजर आ रही हैं। जेल में बंद जिस श्याम सिंह को नरेगा कार्य में एससी वर्ग का दिखाया गया है, वह हकीकत में जाति से ठाकुर है, जो कि सामान्य वर्ग में आता है। मां भगवती हॉस्पिटल, जहां मिलती है आगरा के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा 24x7 इमरजेंसी सेवाएं, जननी की डिलीवरी सुविधा व आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध, डेंगू मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है, बवासीर भगंदर एवं अन्य तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छे सस्ते व सुलभ इलाज के लिए जरूर पधारें मां भगवती हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहाँ मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कोरफोम व स्लिप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता, घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें AU फर्नीचर, छोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। राज्य स्तरीय छात्र छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। खेल को खेल की भावना से खेले, विधायक शोभारानी कुशवाहा। 66वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा 14 वर्षीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ व उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथि धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा एवं नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह की अध्यक्षता तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान के विशिष्ट आतिथ्य में RAC लाइन धौलपुर के खेल मैदान में हुआ। उद्घाटन समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शोभारानी कुशवाहा ने खिलाड़ियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए खेल को खेल की भावना से खेलने की बात कही। सभापति खुशबू सिंह ने खिलाड़ियों को कहा कि खेल को हार और जीत के लिए न खेलकर सद्भावना से खेले। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाते हैं, खेल को खेल की भावना के साथ खेलना चाहिए।
इस अवसर पर CDEO मुकेश कुमार गर्ग, DEO माध्यमिक अरविंद शर्मा, प्रारंभिक DEO केदार गिरी, CBEO दामोदर लाल मीणा, ADEO वीरी सिंह, अंजलि सिंह, ACVO सविता सिंह, संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता में राज्य भर के 30 जिलों की बालक एवं 27 जिलों की बालिकाओं की टीम ने भाग लिया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी कर्मचारी निर्णायक मंडल मौजूद रहे। मंच संचालन अनिल मिश्रा ने किया। ये रहा उद्घाटन मैच का परिणाम। उद्घाटन वॉलीबॉल मैच छात्र वर्ग में उदयपुर ने चित्तौड़ को 2-0, बीकानेर ने जयपुर को 2-0 से हराया। बुधवार को धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों में बाधित रहेगी पेयजल आपूर्ति। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग धौलपुर के सहायक अभियंता अमित कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में चल रहे गैस पाइपलाइन बिछाने के कार्य के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस कारण पेयजल पाइपलाइन का मरम्मत कार्य किया जाना है, जिस कारण धौलपुर शहर के गुलाब बाग, सीताराम कॉलोनी, बाड़ी रोड, सैपू रोड एवं कमल कॉलोनी की पेयजल सप्लाई 30 नवंबर बुधवार को बाधित रहेगी। धौलपुर में जन आक्रोश यात्रा का मेगा प्लान तैयार, पंडित किशन चंद्र शर्मा। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, जंगल राज और कुशासन के खिलाफ भाजपा प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में आगामी 1 दिसंबर से जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। जन आक्रोश यात्रा रथों की रवानगी जयपुर से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। धौलपुर जिले में भी जन आक्रोश रथ यात्रा को लेकर भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, जन आक्रोश यात्रा जिला संयोजक पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद्र शर्मा, सह जिला संयोजक जयवीर पोसवाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, विधानसभा प्रभारी संयोजक महेंद्र सिंह जाटव, राकेश फौजदार, अरविंद पाल, हमेंद्र वशिष्ठ प्रदेश से लगाए गए हैं। प्रेस वार्ता में जिला स्तर पर पार्टी प्रदेश संगठन द्वारा तय थीम सॉन्ग और गत 4 साल में कांग्रेस सरकार के काले कारनामों का ब्लैक पत्र लॉन्च किया गया। आम जनता के लिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश दर्ज कराने के लिए जारी मिस्ड कॉल नंबर 8140200200 के बारे में जानकारी दी। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार के शासन से राजस्थान की जनता पीड़ित और प्रताड़ित है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए आपस में युद्ध जैसे हालात हैं। जिला संयोजक पंडित किशन चंद्र शर्मा ने कहा कि धौलपुर जिले में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा ऐतिहासिक होगी। धौलपुर जिले में जन आक्रोश यात्रा का मेगा प्लान बनकर तैयार है। चारों विधानसभा के संयोजक और सह संयोजकों द्वारा विधानसभा के प्रत्येक मंडल पर बैठक लेकर चौपाल कार्यक्रम और रथ यात्रा का रोड मैप तैयार किया है। 2 दिसंबर को बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कंचनपुर मंडल में बाबू महाराज मंदिर से रथ यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। राजाखेड़ा विधानसभा में रथ यात्रा 3 दिसंबर को बरेठा बॉर्डर पर पार्वती नदी पर पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ की जाएगी। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र बसेड़ी में आगई मंडल के सहेड़ी माता मंदिर से रथ यात्रा का प्रारंभ और विधानसभा क्षेत्र धौलपुर में 4 दिसंबर को गंगाबाई की बगीची से रथ यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा। वंदे मातरम साथियों, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को बताया गया है कि हम लोग आप लोगों के बीच में आने वाले हैं और इस सरकार, इस भ्रष्ट सरकार के विरोध में संघनाद करने वाले हैं और ईंट सीट बजा करके इस सरकार को बदलने का काम करेंगे और बहुत जल्द आने वाले समय में भाजपा को सरकार में आने का काम कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ प्रेस वार्ता में कांग्रेस के 4 साल के शासन में जो आम जन पीड़ित रहा है, परेशान रहा है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। चाहे वो महिला अत्याचार की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, किसानों पर बड़े अपराधों की बात हो,
सब में एक कांग्रेस सरकार फैल विपक्ष सरकार है। इस जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान हम गांव गांव नगरता को अपने बूथ तक जाएंगे, जनता को जगाने का काम करेंगे। विफल और फैल सरकार के विरोध में हम आक्रोश बजाते हैं। धन्यवाद। राजस्थान में कांग्रेस की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार जो हर मोर्चे पर विफल है, जिसके कारण जंगलराज भ्रष्टाचार और प्रशासन पूरी तरह राजस्थान में व्याप्त है। महिला, किसान, दलित, युवा, व्यापारी, बेरोजगार, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस कांग्रेस की कुशासन की नीतियों से त्रस्त नहीं हो। उसके लिए, जनता की जागृति के लिए, जनता के हितों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर प्रत्येक 200 विधानसभाओं में जन आक्रोश यात्रा के रूप में जनता के दुख दर्द को उठाने के लिए, उनके लिए संघर्ष करने के लिए प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर जनता की पीड़ा को उठाने का काम और समस्या को समाधान करने का काम निरंतरता के साथ करेंगे। ये जन आंदोलन बनने का एक मादा, 4 वर्ष की भ्रष्ट और गूंगी भेरी सरकार को यहाँ से, राजस्थान से पलायन करने का काम ये हमारा कार्यकर्ता पूरे राजस्थान भर में करेगा। दो स्कूली बच्चों के अपहरण की सूचना पर पुलिस ने दिखाई तत्परता। महज 30 मिनट में दोनों बच्चों को सकुशल सौंपा परिजनों को। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आज 29 नवंबर 2022 को दोपहर 1:45 पर पुलिस कंट्रोल रूम को जरिए फोन एक व्यक्ति ने सूचना दी कि गौशाला कॉलोनी में स्थित एक निजी स्कूल के दो बच्चों, जिनकी उम्र करीब 8 वर्ष है, उसको एक वैन में बिठाकर कोई ले गया है। इस सूचना पर कंट्रोल रूम द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह को अवगत कराया, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने शहर में तुरंत नाकाबंदी करवाई एवं वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर सुरेश सांखला एवं थानाधिकारी थाना निहालगंज विजय मीणा मई टीम गौशाला कॉलोनी स्थित निजी स्कूल के पास पहुंचे और दोनों बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान पूरी टीम ने दोनों बच्चों के ट्यूशन जाने के स्थान एवं क्लास के अन्य सहपाठी बच्चों के घर जाकर तलाश की तो दोनों बच्चे पास में ही स्थित अपने एक सहपाठी के साथ खेलते हुए मिले, जिनको साथ में लेकर सकुशल उनके परिजनों को सुपुर्द किया। परिजनों ने बताया कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद समय से बच्चों के घर नहीं पहुंचने एवं स्कूल में आकर देखने पर बच्चों के नहीं मिलने पर एकदम घबरा कर वैन में ले जाने की हड़बड़ी में सूचना दे दी। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हक लाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें, ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ, पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर, पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने घंटाघर रोड धौलपुर। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसरण में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री राज्य सरकार अशोक गहलोत द्वारा 29 नवंबर को किया गया।
बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम मुख्य अतिथि विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा एवं अध्यक्षता सभापति नगर परिषद खुशबू सिंह व विशिष्ट अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाकर आरएसी लाइन प्रांगण में किया। उन्होंने बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ करते हुए यूनिफॉर्म वितरित की। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने बाल गोपाल योजना व मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। सभापति खुशबू सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण भी परम आवश्यक है। निश्चित रूप से यह बाल गोपाल योजना बच्चों के लिए कल्याणकारी साबित होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस योजना के लाभों से अवगत कराया। सीडीईओ मुकेश गर्ग, डीईओ माध्यमिक अरविंद शर्मा, प्रारंभिक डीईओ केदार गिरी ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर एडीईओ वीरी सिंह, एसीबीईओ सविता सिंह, संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मंच संचालन अनिल मिश्रा ने किया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री व उत्तराखंड के पूर्व सीएम ने की पूर्व विधायक सुखराम कोली के कार्य की प्रशंसा। नगर निगम दिल्ली के चुनाव में प्रदेश नेतृत्व की ओर केंद्रीय नेतृत्व की कार्य योजना अनुसार भेजे गए भाजपा राजस्थान के दल में शामिल धौलपुर जिले के बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली को मयूर विहार जिला की कौंडली विधानसभा के प्रवासी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें आने वाले सभी वार्डों की बेहतरीन कार्य योजना और पदाधिकारियों व वार्डो के प्रत्याशियों से अच्छे तालमेल से किए जा रहे चुनाव संचालन संबंधी कार्यों को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सुनील बंसल द्वारा सुखराम कोली का शॉल उड़ाकर हौसला अफजाई की गई और आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक ने विधानसभा कार्यक्रम में आकर भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने में किए जा रहे सामूहिक प्रयासों तथा कार्य योजना की बधाई और शुभकामनाएं दी, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान किया, जिस पर पूर्व विधायक सुखराम कोली ने सभी का आभार प्रकट किया। हादसे में सवार 5 जने हुए गंभीर रूप से घायल। सरमथरा उपखंड स्थित नेशनल हाईवे संख्या 11 बी पर खरेड़ नदी के पास सवारियों से भरी एक अर्टिका कार का टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर सरमथरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच सभी घायलों को सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार कार सवार रुपेश गोयल निवासी मुरार ग्वालियर से अपने परिवार सहित अर्टिका कार से केला देवी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में टायर फटने के बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में 8 जने सवार थे, जिनमें से 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें उषा देवी पत्नी स्वर्गीय महेश चंद्र गोयल उम्र 68 साल, रेखा गोयल पत्नी रुपेश गोयल उम्र 47 साल, सानिया गोयल पुत्री रुपेश गोयल उम्र 24 साल, ऋषि गोयल पुत्र राजकुमार गोयल उम्र 17 साल, सजल गोयल पुत्र रुपेश गोयल उम्र 20 साल घायल हो गए। गनीमत रही कि हादसा होने के बाद कार के एयरबैग खुल गए, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। भाजपा मंडल की जन आक्रोश यात्रा को लेकर हुई समीक्षा बैठक।
भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के बाड़ी विधानसभा के मंडल सैपऊ व वसई नवाब की जन आक्रोश यात्रा की संयुक्त समीक्षा बैठक मंडल अध्यक्ष रामविलास भगेल व मंडल महामंत्री केजी तिवारी के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष व संभाग प्रभारी राकेश फौजदार, विशिष्ट अतिथि विष्णु सिंगल व प्रशांत सिंह परमार रहे। बैठक में मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार, जंगल राज व कुशासन के 4 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जन आक्रोश यात्रा के विधानसभा संयोजक विष्णु सिंघल ने यात्रा का रूट चार्ट पर विस्तृत जानकारी कार्यकर्ताओं के सामने रखी एवं इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कर्मठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई। बैठक को सह संयोजक प्रशांत सिंह परमार ने भी संबोधित किया। अंत में मंडल अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। मंच संचालन मंडल महामंत्री वसई नवाब के जी तिवारी ने किया। बैठक में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब धौलपुर में ही आधुनिक मशीनों से होगा दर्द का इलाज। गठिया, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, चक्कर आना, चेहरे की फालिश, जोड़ प्रत्यारोपण के बाद की समस्याएं, बच्चों के शारीरिक विकलांगता, कंधे का जाम होना व दर्द होना, शरीर में कंपन, सुन्नपन, गर्दन व दर्द व फालिस आदि का फिजियोथेरेपी से कराएं इलाज। एक्यूप्रेशर मशीन से पूरे शरीर की 52 जांच कराने की भी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें डॉक्टर मीमांसा चंसौरिया, युवान फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन क्लिनिक, पता मां अन्नपूर्णा टिफिन सेंटर के बगल वाली गली घंटा घर के पास, धौलपुर। घर हो या ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं फर्नीचर प्रोडक्ट के बिना अधूरा होता है। चाहे वह टीवी हो या फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, पलंग हो या सोफा, टेबल हो या कोई अन्य घरेलू आइटम, अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए लेना चाहते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या फर्नीचर, तो आज ही आए वैल्यू प्लस स्टोर। हम आपके लिए लाए हैं सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर बहुत ही कम कीमत में, वह भी एक ही छत के नीचे। किस्तों में पैसा चुकाने की भी सुविधा उपलब्ध। तो देर किस बात की, तुरंत पधारें वैल्यू प्लस स्टोर पर, पता बाड़ी रोड बिजली घर के सामने, धौलपुर। उमरेह गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने एसएचओ को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। बाड़ी उपखंड के सदर थाने पर उमरेह सहित गांव के लोगों ने दर्जनों की संख्या में पहुंचकर एसएचओ को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि भैंस चराने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पूरा मामला उमरेह गांव में भैंस चोरी के मामले से जुड़ा हुआ है, जहां 26 नवंबर की शाम को पास के फागुने का पुरा के कुछ लोग एक दर्जन के करीब भैंसों को चुरा कर ले गए हैं। बाद में जब ग्रामीणों ने उनके गांव जाकर भैंसों को छोड़ने की मांग की तो आरोपियों ने झगड़ा कर दिया और ग्रामीणों की बुरी तरह मारपीट की गई, जिसमें एक दर्जन के करीब लोग घायल हुए, जिन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल भेजा गया। पूरे मामले को लेकर 27 नवंबर को ग्रामीणों द्वारा सदर थाने में आरोपी गांव के लोगों के खिलाफ नाम दर्ज मामला दर्ज कराया है, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई। उमरेह गांव के 75 वर्षीय ग्रामीण राम खिलाड़ी मीणा ने बताया कि 26 तारीख को जंगल में चरने गई गांव के कुछ लोगों की भैंस चोरी हुई थी, जिन्हें पास के गांव फागुने का पुरा के कुछ लोग चुरा कर ले गए। बाद में 27 नवंबर की सुबह जब ग्रामीणों ने उनके गांव जाकर भैंसों की मांग की तो मारपीट की गई और हमला किया गया। उक्त घटना को लेकर 27 नवंबर को ही पुलिस में मामला दर्ज कराया गया, लेकिन 2 दिन बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में आज 5 गांव की पंचायत हुई है और सभी लोगों ने पंच पटेलों के साथ सदर एसएचओ को ज्ञापन सौंपा है।
ग्रामीण दिनेश मीणा ने बताया कि पूरे गांव में आसपास के 5 लोगों की महापंचायत हुई, जिनमें कोयला, कांकरई, नक्सौदा, सुनीपुर और सागौर के पंच पटेल और ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने भैंस चोरी प्रकरण में पंचायत करते हुए पुलिस ने 2 दिन के अंदर में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ में सदर SHO हीरा लाल को ज्ञापन सौंपा है। आंगनवाड़ी कार्मिकों ने की स्थायी करने की मांग। परियोजना बसेड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं साथिनों की बैठक हुई, जिसके बाद स्थायीकरण की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी बसेड़ी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी को भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी एवं साथिनों को स्थायी करने की मांग की गई। जब तक स्थायी नहीं करते तब तक 18,000 रुपए मानदेय देने की मांग रखी गई। वहीं रिटायरमेंट के उपरांत 5,00,000 रुपए देने, पेंशन के रूप में 5,000 रुपए मासिक देने की मांग रखी गई। बैठक में आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की सरिता वंसल, भरतपुर संभाग प्रभारी महेंद्र गुर्जर, पूर्व प्रदेश मंत्री दयाल शर्मा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुनीता कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। संचालन रूवी परमार बसेड़ी के द्वारा किया गया। बुधवार को कई इलाकों में 3 घंटे बंद रहेगी बिजली। विद्युत निगम धौलपुर के 132 केवी GSS के सहायक अभियंता दिनेश कुमार महावर ने बताया कि 30 नवंबर बुधवार को 132 केवी GSS मनिया पर रखरखाव कार्य होने के कारण 132 केवी GSS मनिया से निकलने वाले 33 केवी बकचोली एवं मनिया तथा 132 केवी GSS मरेना व राजाखेड़ा से निकलने वाले सभी फीडरों की विद्युत आपूर्ति बुधवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। खूबचंद का पूरा स्कूल में हुआ बाल गोपाल दूध योजना का शुभारंभ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खूबचंद का पूरा पिदावली में मुख्यमंत्री बाल गोपाल दूध योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें विद्यालय स्टाफ द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं को लाइन लगाकर दूध पिलाया गया। इस मौके पर सरपंच मुकेश कौशल, वार्ड पंच श्रीकांत, विद्यालय के संस्था प्रधान संजू कुमार, वीरू कुमार, जितेंद्र, नरेंद्र सिंह, मेघ सिंह, लखन सिंह व ग्रामवासी उपस्थित रहे। बाल गोपाल निशुल्क दूध एवं यूनिफॉर्म योजना का हुआ शुभारंभ। राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय सेपो में मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय मुख्यमंत्री बाल गोपाल निशुल्क दूध एवं यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी कुणाल राहड़ ने कहा, सरकार द्वारा निशुल्क यूनिफॉर्म और दुग्ध योजना शुरू की गई है, जिसके बेहतर परिणाम होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ेगा। वहीं दूसरे बच्चों को सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। CVEO कृष्णा कुमारी द्वारा सरकार की योजना की सराहना करते हुए छात्र छात्राओं को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तहसीलदार देवेंद्र तिवारी, PCC सदस्य सत्य प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद शर्मा, ग्राम पंचायत सरपंच अर्जुन कुशवाहा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश शर्मा, पार्वती नहर परियोजना के अध्यक्ष योगेश तिवारी, कांग्रेसी नेता विजय सिंह भगेल, उप प्रधान दुष्यंत भगेल, कांग्रेसी नेता राजेंद्र शर्मा, शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिओम शर्मा, अकबर खान उस्वानी, मटरे लाल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र पाठक ने किया। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण एवं बाल गोपाल योजना का हुआ शुभारंभ।
राजाखेड़ा पंचायत समिति परिसर में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध का वितरण किया जाएगा एवं मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निशुल्क दिए जाएंगे तथा सिलाई के 200 रुपए सीधे विद्यार्थी के खातों में भेजे जाएंगे। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर नगरपालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन मौजूद रहे एवं अध्यक्षता SDM देवी सिंह ने की तथा अन्य अतिथियों में विकास अधिकारी राजाखेड़ा राकेश सिंगल एवं तहसीलदार दिनेश चंद्र मौजूद रहे। SDM देवी सिंह ने कहा कि दोनों योजनाएं सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इनके शुभारंभ से सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ेगा एवं बच्चों में ऊर्जा का संचार होगा। इस अवसर पर चेयरमैन वीरेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है, निश्चित ही यह वरदान साबित होगी तथा इसके साथ साथ अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी। विकास अधिकारी राकेश सिंगल ने कहा कि बच्चे पढ़े लिखे स्वस्थ बने, इसके लिए सरकार ने यह जो योजना चलाई है वह अत्यंत लाभकारी है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए स्वच्छता प्रभारी एवं राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। सरमथा कस्बे में बस स्टैंड के पास सोमवार की रात को शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक से किराना स्टोर की दुकान में आग लग गई। आग लगते ही दुकान धू धू करके जलने लगी। तभी रात के समय गश्त के लिए घूम रहे पुलिस कर्मियों की नजर दुकान से निकल रहे धुएं पर पड़ी, जिस पर पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से दुकान को खुलवाया और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। दुकानदार विनोद कुमार गोयल पुत्र स्वर्गीय किरोड़ीलाल गोयल पवेनी वाले हाल निवासी अग्रवाल कॉलोनी ने बताया कि रोज की तरह वह सोमवार शाम के समय अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। तभी राहगीरों द्वारा फोन करके उनको दुकान में आग लगने की सूचना दी गई, जिस पर मौके पर पहुंचकर देखा तो दुकान में रखे काजू, बादाम, दाल के कट्टे, अगरबत्ती के पैकेट, घी के डब्बे, रिफाइंड गुड़, साबुन सहित अन्य किराना स्टोर का लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित दुकानदार का आगजनी की घटना के बाद लाखों रुपए का नुकसान हो गया है और दुकानदार ने सरकार से सहायता के लिए राशि दिलाए जाने की मांग की है। वहीं घटना के बाद गिरदावर ऋषि मीणा एवं पटवारी रविंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर दुकानदार से घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली और दुकानदार को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। भाई क्या मामला है साहब? अरे मैं परचून की दुकान करता हूँ, मैं दुकान बंद करके घर चला गया 7 बजे करीब, और उसके बाद मुझे 10 बजे सूचना मिली तो यहाँ आया तो आग लगी हुई मिली। कितने रुपए का नुकसान हुआ है कुल? 4-5 लाख रुपए का। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।